हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी बार फिर से मेरी नगरी यानी गेमिंग नगरी में। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली थोड़ी सी क्यू एंड ए टाइप, मतलब मेरे रिलेटेड नहीं है, ये है भुया के रिलेटेड। मतलब मैंने दो वीडियोस बनाई थी, उस पर मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है, चार पांच क्वेश्चन हैं, उसके मैं जवाब देने वाला हूँ, क्योंकि उस पर अलग अलग वीडियो बनाने, बहुत छोटी छोटी वीडियो बनेगी। तो मैंने सोचा एक अलग सी क्यों मैंने वीडियो बना देता हूँ, मतलब जो क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों ने उसका मैं आंसर दे देता हूँ। तो मुझे चार पाँच क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो उसकी अलग अलग वीडियो बनाना बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। तो मैंने सोचा इसको एक वीडियो में सब कवर कर देते हैं। तो सबसे पहला है, देखो ओके, सबसे पहला है किंग भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई हम भुया पर गेम को चालू करके छोड़ सकते हैं कि नहीं। तो भाई ऐसा बिल्कुल कभी मत करना यार कि हम नहीं छोड़ सकते, सीधा बोलूँ नहीं छोड़ सकते। इससे क्या होता है यार कि भुया वाले तुम्हें देखते होते हैं, अगर तुम कभी भुया ऐप से लाइव जाते हो तो वहाँ पर सबसे पहला व्यूवर भुया वाले ही होते हैं, वो तुम्हें वॉच कर रहे होते हैं, एक बॉट तुम्हें वॉच कर रहा होता है कि तुम गेम में क्या कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब परफेक्ट हो कि नहीं हो, ठीक है। इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारा, तुम आगे कैसे बढ़ोगे। तो गाइस बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, चैट कैसे पढ़ना है RTMP से। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था, लाइव करना IRL पे, बाकी हर जगह पे लाइव कर सकते हो टर्निप ऐप से। तो गाइस वहाँ पे ये होता है कि यार हम RTMP पे लाइव चैट नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब उसी फ़ोन पे नहीं पढ़ सकते, आपको उसके लिए सेकंड फ़ोन लेना पड़ेगा। जैसे मैं भी यूज़ करता हूँ सेकंड फ़ोन, क्योंकि जैसे देखो कि यार लोग करते हैं स्ट्रीमिंग, OBS से करते हैं स्ट्रीमिंग, तो वो भी इनके पास भी दूसरा मॉनिटर होता है चैट पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर भुया का लिंक होना है इन लोगों के साथ, जैसे कि यूट्यूब का लिंक होता है, फेसबुक का लिंक होता है, ऐप के लोगों के साथ, तो उनके चैट पढ़े जा सकते हैं, पर भुया का लिंक नहीं होता इन लोगों के साथ, तो इनको RTMP से ही हम पढ़ते हैं, तो इसलिए इनका चैट नहीं आता है। इसको पढ़ने के लिए आपको अलग से स्क्रीन चाहिए, दूसरा फ़ोन चाहिए। तो कोई सी फ़ोन ले लो यार, छोटा सा कोई पुराना फ़ोन पड़ा हो घर पर, किसी पापा के जब लाइव कर रहे हो, किसी का भी फ़ोन ले लो, उस पर अपना लाइव ओपन कर लो, वहाँ पे सारी चैट आती है, आप पढ़ सकते हो, मैं भी इसी तरह करता हूँ। ओके गाइस, तो आप आई होप समझ गए होंगे। गोडी आर्मी, सर भुया ऐप में ई स्पोर्ट टीम कैसे बनाए, प्लीज़ रिप्लाई। गाइस देखो, ई स्पोर्ट टीम बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले ई स्पोर्ट प्लेयर होना पड़ेगा। आई होप अगर तुम होगे ई स्पोर्ट प्लेयर तभी तुमने यह सवाल पूछा है। अगर ई स्पोर्ट प्लेयर हो तो यार तुम जाके सीधा डायरेक्ट भुया वालों से बात कर सकते हो गाइस, तुम्हें उनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाकर उनसे मतलब बात कर लेनी है, तभी बना सकते हैं। बाकी कोई ऑप्शन तो नहीं आती है हमें ऐप पे, और मतलब डेस्कटॉप साइट पे हम ऐसे नहीं बना सकते हैं, वो तुम्हें भुया वाले ही बना के देंगे, तो तुम भुया वालों से बात कर लेना, ठीक है। तो गाइस लाइट चली गई है, पता है अचानक से लाइट चली गई है गाइज। तो यार हमारा चौथा क्वेश्चन है जो कि पूछते हैं एपी गेमर भाई। एपी गेमर भाई पूछते हैं कि यार भुया पे वेरीफाई कैसे ले सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा जवाब बता दूं मैं आप लोगों को, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं। इस पर हम वेरीफाई कैसे ले सकते थे, आपको जेन्युइन होना पड़ेगा, आपको भुया को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है, आपको भुया वालों को नज़रों में आना पड़ेगा, तभी आप वेरीफाई हो सकते हो। और वो सब कैसे हो सकते हो मैं आपको बताऊंगा इसकी अगली वीडियो में, लाइट आ जाने तो फिर बनाता हूँ उसकी अगली वीडियो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।